हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि वो तो रोज़ की रोज़ होनी होती है, वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें सुबह उठते ही कि उसने एक नई सुबह दी हमें। तो बस इसी शुक्रिया अदा के साथ गाइस, आप सबको भी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो बस गाइस, रौनक स्कूल चला गया था, मैं स्कूल छोड़ाई थी और दोपहर को आ जाएगा अपना, और खाना वाना सब रेडी कर दिया मैंने। मेरी पूजा भी हो गई है गाइस, और मैं बस 5 मिनट में निकलने वाली हूँ गाइस। मैं रेडी हो गई और आज पहनी मैंने टी शर्ट और जीन्स गाइस साथ में। अब भी जाएंगे, बस काम करेंगे, फिर ऑफिस से घर आएंगे और उसके बाद घर का काम करेंगे। तो गाइस, यही लाइफ चल रही है। लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है ना गाइस, वो है आई नहीं, पता नहीं कहाँ ही उड़ी पड़ी है। तो जिम्मेदारी पड़ी हुई है ऊपर, कि जिम्मेदारी के अलावा और काम ही नहीं सोचता गाइस। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा गाइस। यहाँ मैंने पूजा कर ली है गाइस, राधे राधे मेरे किशु, और जो चला रही थी गाइस, जय गुरु जी। पूजा भी होगी गाइस, अब धीरे धीरे करके सारे काम होते हैं अपने टाइम पे। जय मेरे लड्डू गोपाल जी। तू कोको को छोड़ एक मिनट के लिए, पहले मुझे ये बता। एक तो मैगी लेकर आया अभी, फिर देखो तू मुझे घर पे आके कह रहा है कि दाल के साथ रोटी खानी है और मुझे दही दे दो साथ में, तो फिर मैगी तो खा लेना। तो मैगी क्यों नहीं खा रहा तू? मैगी तो मैगी मत खा फिर। हाँ, तो मैं दही के साथ दाल रोटी, दही भी नहीं खाना भाई रात के टाइम। क्यों नहीं खाना? दही नुकसान करता है, सब बोलते हैं रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर मैगी भी नहीं खानी। अरे मेरी बात सुन, इधर इधर नहीं, मेरी बात सुन बेटे। अब तो तू तो दही और मैगी लाया ना, तो ये काम कर, अभी तो मैगी खाने ठीक है, दही रात को मत खा। तू तू ये काम कर, दही की तू रहे लस्सी, मैं दुकान जाऊंगा, मैं भी लस्सी पीऊंगा और तू भी लस्सी पी लियो। हम दोनों चार 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 वही लस्सी चार एक ही बात है। तो भैया रात को मैगी नहीं खानी चाहिए ना? मैगी तो मैगी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दही खाने में दिक्कत है बेटा। दही नुकसान करती है, मैगी नुकसान नहीं करती। तो मैं मैगी का यही बता, रात को लोग चाउमीन खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, ये हल्का नूडल्स, वही नूडल्स, वो नूडल्स, कई तरह के नूडल्स खाते हैं ना। ये तो सिंपल प्लेट मैगी है, इसमें क्या है, एक मैगी और एक मसाला है ना खाली, और कुछ तो नहीं डालना ना तुम। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं पा रहे, पर ना क्यों मेनू बंदा रोटी खा ले रात, दाल रोटी, रोटी खा ले आराम में, सिंपल रोटी। फिर लस्सी आप बना देना दोपहर को, मैं बना दूंगा लस्सी और चाचा हम दोनों दो रुपये दोनों में बाप बेटा मेरे ले हाथ पक्का हो गया, प्रॉमिस हो गया, चल प्रॉमिस पक्का भी है ठीक है। तो गाइस, मेरा ना रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं मैगी बना लूँ खुद के लिए। तो हाँ, मम्मी तो मुझसे गुस्सा, इसलिए मैंने खुद से बनानी चालू कर दी। ये मैंने काट दिए थे प्याज, थोड़े से मैंने पतले पतले नहीं काटे थे, मैंने थोड़े से मोटे मोटे काटे, क्योंकि अगर मैं मम्मी को बोलता तो मम्मी गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने खुद से काट लिए जैसे कटे। तो यहाँ पर टमाटर है, टमाटर मैं एकदम अच्छे से काट दिए बढ़िया, साथ में मैगी है, तो मैगी को मैं तोड़ के डाल दूँगा इसके अंदर और तड़के वाली मैगी बनाऊँगा, और अगर मम्मी को खानी होगी तो उनको भी दे दूँगा, मरना तो मैं देख लेता हूँ अभी क्या करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर मैंने मैगी डाल दी अपनी, अब मैंने इसके अंदर नमकदाने से भी मसाले डाल दिए थे और जो मैगी का मसाला था वो भी मैंने डाल दिया है। तो बस अभी बढ़िया सी बन जाएगी, इसके अंदर प्याज व्याज का भी तड़का डाल दिया है, तो मस्त बनेगी एकदम। बस इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10-15 मिनट, 2 मिनट में तो बनती नहीं है, तो मजाक ही करते हैं लोग। तो उसके बाद हो जाएगी मैगी रेडी और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी बनी है। पहले मुझे खुद मना कर रहे थे मैगी खाने से, अब ये क्या खा रहे हो आप, रोटी चावल खा रहे हो क्या? चावल है ना, येलो वाले। बहती गंगा में हर बंदा हाथ होता है ना? नहीं बहती गंगा में हर बंदा हाथ होता है। अब जैसे मैगी बनानी शुरू करी, मुझे लगा कि चल मैं भी खा लेती हूँ, तो गाय बड़े भैया की रोटी बनाती, मैंने कहा चल एक रोटी मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए। और सच में बोलूं, दाल पड़ी है, सब्जी पड़ी है, दो दो चीजें पड़ी है, मेरा सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरा दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
बल्कि ये रोटी ना मैं अचार के साथ खा रही हूँ। मैं तब सब्जी भी ले सकती थी, मैं दाल भी ले सकती थी, मैं दही भी ले सकती थी, मैं कुछ भी ले सकती थी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि रौनक मैगी बना ही रहा है तो मैं भी खा लेती हूँ मैगी। तो मैंने इसको बोला कि जहाँ पे एक मैगी डाल रहा हूँ वहाँ पे दो डाल दे, एक एक खा लेंगे हम दोनों, है ना। तो बेचारे ने इसने अपने लिए काटा था सबका सामान, तो मैंने बोला एक मैगी की जगह पे दो मैगी डाले, मैं भी यही खाऊंगी। तो मेरे को और काम करना पड़ गया। क्या काम करना पड़ गया? चलो कोई ना, एक मैगी पकनी थी, दूसरी मैगी उसके साथ पक गई। कोई ना कोई ना, चलो अच्छा करो उनने, वो बड़े पापा ने, अच्छा हुआ कि मेरी साइड ले ली, वरना आप भी ना खा पाते मैगी, मैं भी नहीं खा पाता। दोनों का काम हो गया ना सही। अच्छा देखो अच्छा लग रहा है, तो आपको भी तो मिल गया, वरना आप क्या खाते? अचार के साथ रोटी पड़ेगी ना भैया से। कोई ना, अच्छा ही हुआ, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, बड़ों की डांट भी खा लेना चाहिए, सही बात ना, घर में बड़े हैं, वरना खुद का रोब खुद पे डालेंगे अपना। चलो आप इंजॉय करो, अच्छी बनी है ना, देखने में तो अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं टेस्ट में, हाथ पता चलेगा। अच्छा खाओगे अभी? हाँ। चलो ठीक है, फिर बताना मेरे को। और एक ये हीरोइन है ओए लाइट भी नहीं चल रही, ये लाइट को नहीं चल रही, जिस पूछ को आ रही है। कोको कोको चल चले, हीरोइन ए हीरोइन हीरोइन हाय हीरोइन। अच्छा वो का है, ललिता मम्मा का है, ललिता 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 मम्मा। अच्छा ये ले, ओ चूहा हो गया, चूहा चूहा हो गया, चूहा 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 चूहा, बिल्ली गाय कबूतर तेरे ने नोजे खींच दूंगी मैं बड़ी। अच्छा ये ले ये ले ये ले ये ले, ट्रू 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 ट्रू, टिंग 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 टिंग। एक वो आई है महारानी, महारानी ऐसे आ रही है, कैटवॉक कर रही है। कोको 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 चूजो चूने बोली सुंदर बच्ची है, तेरे कान खींच दूँ मैं, गुच्छू गुच्छू है, गुगु मुगु है। खाना खा लिया तूने? खाना चिंटा का है, चिंटा चिंटे चिंटा क्या चिंटा क्या चिंटा, वो देख चिंटा आ गया, चिंटा चिंटा चिंटे। मम्मी अब ये क्यों निकाल लिया आपने कुर्ता पजामा? तेरे कलर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना। मैं तो तय लगा के इसको पैक करके रख दी थी, और मैंने सोचा था कि इसको गुरुजी के कीर्तन में तब पहनेंगे, तो इतना हैवी गोल्डी पापा ने बना दिया, तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्यों पहन के खराब करना है, इतना तो सुंदर है। टीना की शादी में पहन लेंगे, शादी में हल्दी पे, हल्दी पे। अच्छा टीना की शादी में हल्दी में पहन लेगा, तो मैं इसको पैक करके रख दी। टीना ने उस टाइम ये बोला था कि निक्की चाची कि हम लोग ना जब हल्दी करेंगे ना तो पूल पार्टी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि पूल पार्टी में जो बॉयज होते हैं ना गाइस, उनके आजकल के टाइम पे रिवाज होगा फैशन, वैसे हमने तो किसी का नहीं देखा अभी तक, क्योंकि हम लोग पार्टी वगैरह में जाते भी नहीं, और हमारे पंजाबी में ऐसी शादी अभी तक देखी भी नहीं मैंने गाइस। तो वो बच्चे हैं तो आज के जनरेशन के हिसाब से उनको पता कि ये फंक्शन करना है, वो फंक्शन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो लोग देखते भी हैं और अपने लिए भी करने की सोचते हैं। तो वही से बोला कि पूल पार्टी में क्या होता है कि जो बॉयज आता है उनके ना, जैसे कि हल्दी के टाइम पे पूल पार्टी होती है, और पूल पार्टी में क्या होता है कि जो बॉयज होते हैं ना उनके ना कपड़ों को फाड़ते हैं और उनको पानी में धक्का मारते हैं, ऐसे पूल में, पूल में पानी, हाँ पूल पार्टी में भी तो बोलते हैं पानी में धक्का मारेंगे, हाँ पूल में धक्का मारेंगे, जमीन पे धक्का मारेंगे, तो पानी में धक्का मारते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जितने बॉयज होंगे ना हमारे घर के, जितने भी लड़के होंगे, उन सबको येलो कलर के कपड़े पहनाने हैं, अब वो नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, कुर्ता जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, जिसको ऐसे करके ये नहीं पूरे फाड़ने होते हैं, पूरे नहीं फाड़ने होते, फिर हल्का जब तक फट गया जितना फट गया, फिर उधेड़ना होता है, मतलब ये सब दही कच्ची सिलाई मारी है उसको उधेड़ दिया ऐसे करके, तो वैसे करके तो उसको भी पानी में धक्का मारना है। तो उसके लिए अभी हमारे घर के सारे बॉयज और इससे चीना के सारे भाई और उसके सारे फ्रेंड्स जो भी होंगे, तो पूल पार्टी में उसका फंक्शन होगा, और उसके बाद
जो लड़के होंगे उनके कपड़े फटेंगे और आराम से हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं तब पहना दूंगी, तो फिर गोली बाबा कहते हैं तू इतना बढ़िया तू फाड़ने के लिए पहनाएगी। मैंने बोला हाँ ये भी चीज़ है। फिर मैंने बोला कि नहीं, फिर क्योंकि गोल्डी भैया बनाएंगे सबके कपड़े घर में, तो मैंने बोला सबका सेम हो जाएगा तो सबका हल्का फुल्का कपड़ा ले लेना जो भी नॉर्मल, तो ये तो जैसे फैंसी टाइप हो गया तो ये किसी पार्ट वगैरह में कीचड़ वगैरह में डल जाएगा और नॉर्मल जो होगा वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ वैसे ही करेंगे, सबका सेम बनाऊंगा एक ही फैब्रिक से और सारे जो भाई हैं और सब सेम लगेंगे। तो बस मैं इसको पैक करके रख रही थी अभी कि बाद में भी कितने दिनों महीनों के बाद ही आनी शादी उसकी, तो तब जाके काम आएगा। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं गाइस। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ गाइस। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा गाइस और नई सुबह के साथ आपको दोबारा फिर से मिलेंगे कुछ नया सोच के, कुछ नई चीज़ के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस आपको कुछ अच्छा लगे हमारे अंदर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले नहीं लगे फिर भी करिए, अगर नहीं लगा तो गाइस फिर भी कर लीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की आपके साथ की बहुत ज़्यादा, आपके 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो मिनट जो है, पर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना भी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।